उज्जैन शहर में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें उज्जैन जिले के समस्त सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए और चुनाव के दौरान अपने मतों का उपयोग किया। चुनाव संपन्न कराने के लिए भोपाल से भी अधिकारी कर्मचारियों की टीम पहुंची थी और पूर्ण तैयारी के साथ अजाक्स के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हुई और डॉक्टर आर एल परमार चुनाव जीते। मतदान हो जाने के बाद जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर एल परमार ने सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाया कि जो आप सबने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे अपना मत देकर जीत दिलाई, मैं संगठन हित के लिए काम करता रहूँगा और आप सबके लिए काम करता रहूँगा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। संबंध में आपत्ति आई थी जिनका क्या है कि कानून के दायरे में नियम अनुसार उनका निराकरण किया गया, ऐसी गंभीर आपत्तियां नहीं आई थी और निर्वाचन निर्बाध गति से संपन्न किया। अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निर्वहन भी करना है और सभी को निभाना है, किस प्रकार से क्या रहेगा? अजाक्स जिला उज्जैन के निर्वाचन जो प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार संपन्न हुए हैं, उसमें मूल रूप से पहला टारगेट ये था, संभागीय मुख्यालय था हमारा और संभागीय मुख्यालय में 3000 जो मेंबर है वो पूरे करना थे और 3000 मेंबर पूरे करके उसकी सदस्यता सूची को अनुमोदित कराना था। बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, सबके सहयोग से इसमें 303 आपके 309 बंडगर के हुए, आपके 494 करीब खाचरोद के हुए हैं और जिसमें सर्वाधिक हमारे भैरव सिंह परमार ने जो है इस साल पिछले साल 17 सदस्य आजीवन बनाए और उसके बाद इस साल जो है 21 सदस्य आजीवन बनाए और इस तरह से तराना महतपुर इन सब से मिलाकर उज्जैन जिले ने उज्जैन प्रॉपर ने 1600 से अधिक जो है सदस्य बनाए और बाकी तहसीलों ने 300-350 जो सदस्य बनाए उस प्रकार मिलकर हमने 3200 से अधिक जो है सदस्यता अनुसूची। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।